भी जे उन्हें भरावां वांगू वेख्या तो असीं भी उन्हूं भरावां वांगू वेखणे आ। इस करके असीं कहिंदे आ भी रमन बख्शी नाल साडी कोई लड़ाई नहीं। अपने हसबेंड का कराउण डूम टैसट, जिहड़े नशेई ने जिहड़े वो हर तरह का नशा करते हैं। इनको किसी समाज के साथ नहीं है, किसी मुलाजमों के साथ नहीं है, किसी शहरवासियों के साथ नहीं है, ना इनको किसी चीज़ की जाने किसी की शुद्ध बुद्ध नहीं है। इनको अपनी है भी हम कैसे TRP लें। सारे अफसर के दफ्तर के वड़दा गा, हर किसम कहता मैं काउंसलर हाँ, कि वह ग्राही करना आता गा है भी मुलाजमों का एक डॉप टेस्ट कराया जाए भी मुलाजम नशेड़िए काम नहीं करते। ये अपना एरिया सुधारे, कारपोरेशन कौन है सुधारने वाले? हमारे बॉस निगम कमिश्नर मैडम कोमल मित्तल हैं, वो कोई भी दिशा निर्देश पालन कोई भी ऑर्डर जारी कर सकते हैं। हमारा 1, 2, 3, 4, 5 बारी डॉप टेस्ट कराना चाहे ना निगम कमिश्नर, तो वो कराए जी, सदके कराएंगे, हम भागेंगे ही नहीं। मुलाजम एकता, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं आपका दोस्त सफर शुक्ला। 24 घंटे पहले एक बड़ा ऐलान हुआ था और ऐलान यहीं से हुआ था और यहीं के लोगों ने किया था। और हम बात करते हैं साझा संघर्ष कमेटी की, हम बात करते हैं ऑटो वर्कशॉप की, हम बात करते हैं नगर निगम की, हम बात करते हैं अमृतसर के सीनियर डिप्टी मेयर रमन बख्शी की, और हम बात करते हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सोनिया गांधी की, जो काउंसलर भी हैं। तो 31 दिसंबर 2020 को, यानी कि 2020 के आखिरी दिन कोरोना ने जहां 2020 में संकट दिया, वही संघर्ष कर रहे इन मुलाजमों ने कोरोना के संकट काल में, उस संकट काल में भी लोगों को संकट से बचाया, लेकिन आखिरी दिन आखिरी 31 दिसंबर को इन्हें फिर संकट में ला दिया गया, क्योंकि इनके जितने भी लोग हैं संघर्ष इस दल के, उनमें से कई लोगों को चोर कहा गया तो कई को नशेड़ी कहा गया। इस पर ये भड़क गए, इन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि बुधवार को हम डिप्टी जो सीनियर डिप्टी मेयर हैं यहाँ के रमन बख्शी और जो जितेंद्र सोनिया हैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस की, तो उनके घर के बाहर कूड़ा फेंकेंगे। लेकिन आत्मसमर्पण हुआ है, आत्मसमर्पण यूँ कहें आत्मसमर्पण, क्योंकि हम आपको बता दें जब कोई या तो आत्मसमर्पण है या फिर झूठ और सच है, झूठा कौन सच्चा कौन। इन्होंने कहा था कि सर आपने 24 घंटे पहले कहा था कि हम ये करेंगे, उनके घर के घेराव करेंगे, और हमें ये सब कहा गया, उन्होंने कह दिया, जैसे हमने कल ही आपको बता दिया सबसे पहले मौके पर ही कि उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप चेक करवा लें, तो उस कथन से आप सहमत हो गए? बिल्कुल सहमत इस करके हुए हैं भी जो 31 वाले दिन जो सानू भड़काऊ भाषण मिलिया सी भी अंदर यह गल हुई आ भी रमन बख्शी साहब ने सीनियर नेता डिप्टी मेयर भी आह गल कह रहा भी इन्हें दफ्तर इन दे भी सामभ के बैठे ने जे है वो उन्हें अज क्लीयर कर दिता कल भी मेरे वो भरा ने मेरे को गैर नहीं 25-25, 30-30 साल का साडा उन्होंने प्यार मुहब्बत जराना तो मैं ना तो ये गल की आ बेशक मेरी जी ना प्रोसीडिंग कढ़ा लैन उतों जे मैं गुनाहगार हाँ तो मैं इन्हों दोषी हाँ पर उन्हें ये गल नाल ये भी कही आ भी जे कल किस मीडिया ने पूछा उन्होंने भी तुहाडे कोठी कूड़ा सुट्टणगे जे करो कहिंदा जो मर्जी कर लैन मेरे भरा ने असीं जिहड़ा उन्हें कहता भी मैं गल कही नहीं मेरी प्रोसीडिंग करा लो तो फिर असीं उहदे खिलाफ कहदे लई रौला पाईए असी अज तो बाद असी उहदे खिलाफ कोई रौला नहीं साडी ना फेडरेशन पाएगी ना साडियां कोई भी जथेबंदियां उहदे खिलाफ ने जो साडे ना साडा भरा गा जे वह सानू भरा मानता तो असी भी उहनू भरा मानने आ सीनियर नेता गा कोई माड़ी चंगी कह जे किसी ने गल सानू बाहर आण के दसी आ तो चलो असी फिर भी कहने भी जे उहने भरावां वांगू वेख्या तो असी भी उहनू भरावां वांगू वेखणे आ। इस करके असी कहने भी रमन बख्शी नाल साडी कोई लड़ाई नहीं। जिहड़ी मैडम सोनिया कह रही आ भी मेरा परसनल जिहड़ा टैग आ टैग परसनल कहदा टैग आ जे उन्होंने कहा भी इन्होंने डूम टैसट कराओ असी मैं कल भी कहा भी बेस जी सदके कराओ साडे डूम टैसट सानू कोई नहीं इहो जी गल वो कहने भी मे अही उन्होंने कहा भी पहला अपने घर वाले का कराउण अपने हसबेंड का कराउण डूम टैसट जिहड़े नशेई ने जिहड़े वो हर तरह का नशा करते हैं। फिर उन्होंने बयान लाया उन्होंने कल मीडिया नूं क्लीयर किया भी ना तो मेरा पति काउंसलर आ तो ना मेरा पति मुलाजम आ तो फिर सानू दस देवे मेयर कमिश्नर भी दस देवे भी ये कि हैसीयत आन के अफसर आन के
सारे अफसर के दफ्तर के वड़दा गा, हर किसम कहता मैं काउंसलर हाँ कि वह ग्राही कर आता गा, ये कमिश्नर की ग्राही कर आता गा, फिर वह बाइकाट करना चाहिए। मेयर कमिश्नर जो घरवाली कह रही है भी ना मुलाजम आ तो ना ये काउंसलर आ, इस करके असं मेयर कमिश्नर भी कहने भी ये गलते गौर करना भी जेडे वो अपने मूँह कह रहे हैं भी ये काउंसलर नहीं आ, भी काउंसलर मैं हाँ, तो फिर यदा हुक्म मन फिर और मुंडे का हुक्म कहता मनना तो जो कदली मनना। बेटा जी मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जब आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने उसी वक्त बात किया तो जतेंद्र सोने ने कहा कि मैं रास्ते में, बाद में उन्होंने कहा बान कि मैंने डोप टेस्ट सभी के लिए कहा था, तो मैंने सवाल किया कि जो वहाँ पे 85 काउंसलर हैं या जो कॉरपोरेशन है जो अधिकारी है जो सभी का डोप टेस्ट होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात डोप टेस्ट शराब का नहीं होता, डोप टेस्ट होता है चिट्टे का, तो आप क्या समझती हैं ऐसे? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं सभी के लिए मैंने कहा है, और जो रमन बख्शी उन्होंने कहा था, कल ही कहा था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधे घंटे बाद लाइव भारत ने उनसे उनका स्टेटमेंट लिया, तो उन्होंने फ़ोन पर कहा कि आप सब, मैं उसी समाज का हिस्सा हूं और मैं 25-30 साल से मेरा नाता है, मैं ऐसा मैंने कोई नहीं कहा, वो वहाँ की सारी वो निकाल लें तो जो रिकॉर्डिंग निकाल लें। तो फिलहाल अभी तक आपने एक को तो माफ़ कर दिया है, रही बात दूसरे को, माफ नहीं तो किया हमारा, चलो भरा गा सीनियर नेता गा, असी उन्हें की माफ करना ठीक है, चलो बड़ा भरा गा सीनियर नेता गा, तो अगर बोला नहीं तो चिंगारी आग कैसे बनी? आप चिंगारी किसी ने लाई है और क्लियर उन्हें कर देता भी मैं कोई मेरी प्रेसिडेंट घटा लो, मेरे वो भरा ने मेरे सारा कुछ ने, चिंगारी लगाई गई, चिंगारी लगाई गई, चिंगारी लगाई गई, तो चिंगारी लगाई गई, और भी जवाब ले लो ना सोन, जरा मैडम सोनिया कह रही है भी मैं पंजाब सरकार के हुक्मों के मुताबिक क्या डूब टेस्ट कराओ, पंजाब सरकार सारे पंजाब चो कह रही है, उन्हें मुलाजमान का नहीं कहा भी मुलाजम का, ये सब तो पहला अपनी वार्ड का टेस्ट करावे डूब टेस्ट, उन्होंने नशाबंदी उतो छुड़ावे, जेडे समैक विकती उ चर्स उत्थे विकती, शराबा उत्थे विकदियाँ, जुबे सट्टे उत्थे हो रहे ने, ये अपना एरिया सुधारे, कारपोरेशन कौन है सुधारण वाले, अपनी वार्ड से उदाहरण बहुत बड़ी बात की है, और ये बात की है सफाई सेवकों ने, भ्रष्टाचार की सफाई हो, यानी कि सेवक ऐसे हो कि जो सफाई करे रहे। आप आपने कल बड़े बयान दिए थे, चिट्टा पान क्या, कौन सा पान क्या कहा था आपने, वो कल वाले बयान दोहराइएगा, अभी भी उठा लूँ उसी बात से उठा लूँ, तो उसने छोड़ थोड़ा दिया है, वो कल भी को खाता पान को नहीं खाता था, वो पैग भी लगाता था, आज भी लगाता, उसने छोड़ थोड़ा दिया है कि हमारे कहने से उसने छोड़ दिया, ये तो उनकी अपने दिमाग की है, होना चाहिए कि मैंने छोड़ना कि नहीं छोड़ना, लेकिन डोप टेस्ट डोप टेस्ट शराब पान का नहीं होता, चिट्टे का होता, हो सकता जब जिसके डोप टेस्ट करते ना, वो डोप टेस्ट करने वाले जो सीएम होते हैं, जो जितने भी एमओ होते हैं, वो बताते हैं कि इसकी सत्र रिपोर्ट आती है, सत्र रिपोर्ट में कौन कौन चीज खाता है। अच्छा, जितने काउंसलर हैं, जो भी मौजूदा काउंसलर हैं जिनका डोप टेस्ट हो सकता है, अगर वो फीमेल को छोड़ दे तो, किसको छोड़ दे, महिलाओं को छोड़ दे तो, महिलाओं को कौन सी, महिलाओं को कौन से छोड़ेगी, जो जो भी करता है जिसका डॉप टेस्ट होना चाहिए उसका होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन ये बात नहीं है कि जो सोनिया जो बोलती है जितेंद्र सोनिया कि डॉप टेस्ट होना, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, अगर नहीं नाम नहीं लिया तो अपने घर वाले से बोलती है कि मेरा घर वाला मेरा मुलाजिम नहीं है, मेरा घर वाला किसी काम में नहीं करता, वो फिर रंजीत तैमनी जो ऑफिस है उसमें रोज क्या कर लेने जाता है, कोई ड्यूटी लेने नौकरी लेने जाता है, जहाँ कोई वैसे कोई पैसा लेने जाता है उसको नहीं फिर आना चाहिए, हम मेयर कमीशन से बोलेंगे कि इनकी जो उसे रोक लगानी चाहिए। बहुत बड़ी बात की है, सबसे बड़ी बात है कि मुद्दा 31 दिसंबर 2020 में आखिरी दिन 2020 के ये आता है, मुद्दा सदन में उठता है, सदन में तमाम वहाँ पे काउंसलर होते हैं, मीडिया की नो एंट्री होती है, और एंट्री होती है मतलब आ जाओ, फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, 5-7 मिनट और बाहर जाओ, तो मतलब विकास पर चर्चा, मीडिया नजर, ये आवाज़ हमने उसी वक्त उठाई थी। लेकिन सवाल सर, सीनियर डिप्टी मेयर कहते हैं कि मैंने कुछ कहा ही नहीं, आप कहते हैं कि उन्होंने कहा, तो मिस्टेक कहाँ हुई, कोई ना कोई झूठ बोल रहा है? देखिए सच झूठ की जो भी बात होगी, अगर मैं झूठ बोलूँगा तो वो भी बाहर आ जाएगा, अगर वो सच बोल रहे हैं वो भी बाहर आ जाएगा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं वो भी बाहर आएगा, अगर हम सच बोल रहे हैं वो भी बाहर आएगा। बात सच झूठ की, आपका सवाल बहुत बढ़िया है कि जाने कि अब स्थिति आन पड़ी है, सच क्या है और झूठ क्या है। सच झूठ ये भी, ये फ़ोटो खिंचाने के मारे ना हाउस की मीटिंग में जब नवाब बनते हैं ना इनके हाथ में, जब मैक आता है तो ये नवाब बन जाते हैं, ये सोचते ही नहीं है भी किसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, किसके ऊपर प्रचार कर रहे हैं, किसके ऊपर ये ज्ञान बांट रहे हैं, इनको खुद को मालूम नहीं पड़ता, सिर्फ इनकी एक ही बात पर सुई अड़ी होती है भी कोई प्रेस वाला कोई फ़ोटो खींचे, कोई चैनल वाला इनका कैप्चर ले और हम हाईलाइट हों। इनको किसी समाज के साथ नहीं है, किसी मुलाजमों के साथ नहीं है, किसी शहरवासियों के साथ नहीं है,
ना इनको किसी चीज की जन किसी की शुद्ध बुद्ध नहीं है, इनको अपनी है भी सब, हम कैसे डीआरपी लें। नहीं तो आपके आप तक जिसने आवाज़ दी, जैसे जितेंद्र सोनिया ने कहा, क्या कहा उन्होंने, कहा उन्होंने कहा मैंने कहा है, पर डॉप्टर सबके लिए कहा, पंजाब सरकार के लिए कहा, फिलहाल जो बयान उनके अलग अलग मीडिया में आए, फिलहाल सीनियर डिप्टी मेयर ने आपसे आप उनको मतलब क्या क्लीन चिट, अब कल कोई संघर्ष नहीं होगा आपका? मैं ये बताना रहा हूँ भी, मेरे पास आज भी कटिंग पड़ी हुई है अखबारों की, जितेंद्र सोनिया मैडम जी ने ये बयान दिए हैं, सभी अखबारें मेरे पास हैं, नेशनल पेपर हैं जो, वो मेरे पास है, वीडियो चैनल की वीडियो मेरे पास है, जितेंद्र सोनिया ने ये बोला था भी मुलाज़मों का एक डॉप टेस्ट कराया जाए, भी मुलाज़म नशेड़ी हैं, काम नहीं करते, ये मेरी वार्ड गंदी पड़ी है, मेरे को नशेड़ी आदमी दिए हुए हैं, ऐसे ऐसे बयान दिए जितेंद्र सोनिया ने। आज जितेंद्र सोनिया बोल रही है, मैंने तो बोला भी सभी हाउस का होना चाहिए, 85 काउंसलरों का होना चाहिए, मेयर कमिश्नर का होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, ए भी एक अखबार भी अगर जितेंद्र सोनिया साबित कर दें भी मैंने ये बात बोली है, सभी का ड्रॉप टेस्ट होना चाहिए, ड्रॉप टेस्ट होना चाहिए, मैंने जो भी पेपर पढ़ा उसमें यही लिखा भी मुलाजमों का ड्रॉप टेस्ट होना चाहिए। आशुधार जी, आप मुलाजमों के आगे हैं, प्रधान हैं, अगर ड्रॉप टेस्ट हो ही जाता है तो इसमें कौन सी आफत है आप में, कौन सा, क्योंकि डोप टेस्ट शराब का नहीं होता, आप में कौन सा, कोई बंदा आपके चिट्टा कोई स्मैक पी रहा है, कोई हीरोइन पी रहा है, डोप टेस्ट तो उसका होगा ना जी, तो फिर अगर मैं ये बोलता हूँ, हमारे बॉस निगम कमिश्नर मैडम कोमल मित्तल हैं, वो कोई भी दिशा निर्देश पालन कोई भी ऑर्डर जारी कर सकते हैं, हमारा 1, 2, 3, 4, 5 बारी डोप टेस्ट कराना चाहे ना निगम कमिश्नर तो वो कराए जी, सदके कराएंगे, हम भागेंगे ही नहीं, हम क्यों भागेंगे, हम तो देश हित के लिए, लोग हित के लिए, शहर हित के लिए काम कर रहे हैं। यही बात जितेंद्र सोनिया ने कह दी तो उसमें कौन सी आफत आ गई, जितेंद्र सोनिया ने गलत तरीके से बोला ना भी, वाल्मीकि समाज के लोग जो मुलाजम है, समाज बोला होगा या नहीं, गलत बात ना बोला देखिए महर्षि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि, अगर उन्होंने वाल्मीकि समाज बोला है तो साजिश है, अगर नहीं बोला है तो फिर जी गलत आरोप हम भी नहीं किसी के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि देखिए सच झूठ बाहर आ जाता है, अगर आज जितेंद्र सोनिया नहीं सुन रही तो भगवान तो देख रहा है ना, अगर झूठ बोलेंगे दुनिया तो देख रही है ना। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ भी, मैडम जितेंद्र सोनिया ने ये बोला था भी मुलाजमों का डॉप टेस्ट होना चाहिए, मेरे के पास नशेड़ी आदमी दिए हुए हैं जो मेरी वार्ड में काम करें, वो नशा करते हैं, उनको डॉप टेस्ट कराकर अगर वो नशेड़िए पाए जाते हैं उनको बर्खास्त किया जाए, किसी का परिवार किसी को उजाड़ने का हक किसने दिया सोनिया मैडम को? अच्छा ये बात है कि बर्खास्त किया जाए, फिलहाल तो मालिक तो आपके कोमल मित्तल है, तो कोमल मित्तल उन्होंने आपसे कहा कि आपका डॉप टेस्ट होगा, वो कहें हम कराएंगे, मुलाजम सभी मैडम कोमल मित्तल का दिशा निर्देश मानेंगे, वो सिर मत्थे पर है, हम नहीं बांटते। कल आप कूड़ा कहाँ फेंकोगे? कल कूड़ा नहीं फेंकेंगे, अगर कल तक सोनिया मैडम ने भी सरेंडर नहीं किया, कितने बजे अगर मैं कितने बजे तक, कल 1 बजे यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे, 1 बजे हमने कौम विरोधी के इनके पोस्टर्स पा लिए, वो पूरे शहर में लगाएंगे। नहीं कौम विरोधी उन्होंने क्या कहा, कहा हमारे समाज के ऊपर टिप्पणी की है, उन्होंने बोला ये यो समाज काम कर रहा है, ये यो देखिए ना, सिर्फ स्टूल कास्ट फैमिली जिसमें हमारा समाज ये काम करते हैं, सिर्फ सफाई सेवक ही काम करते हैं, वाल्मीकि समाज का सीवर भी वाल्मीकि समाज निकालता है, गाड़ियां भी वाल्मीकि समाज के आदमी लोग चलाते हैं, तो किस पे ऊपर टिप्पणी हुई, हमारे ऊपर ही हुई ना। नहीं नहीं एक बात उन्होंने देखिए, हम मेरे से जो बात की उन्होंने कहा है कि हमने किसी का नाम नहीं लिया है, हमने कहा है कि पूरे उन्होंने मुलाजम बोला ना, मुलाजम तो हम हैं, उन्होंने ये बोला मेरे पास कटिंग पड़ी हुई है, ये अखबारों की कटिंग, ये मेरे मोबाइल में, मैं दिखा सकता हूँ, मतलब आप पे अटैक किया ऊपर हेडिंग है जी, मेरी बात सुनो जे, उन्होंने कहा मुलाजम, मैं तो कहना भी सुधार करना तो अपनी वार्ड तो शुरू करना, फिर कारपोरेशन च भी आ जाना, गल तो इन्नी क्या रही, गल तो सी कहने भी क्या कि नहीं क्या, जो इन्हों का लाइफ चलता अंदर, ये तो पता ना आपको लाइफ चलता, तो मीडिया अंदर नहीं जाने देते, ठीक है, तो फिर कीमतें जो लाइट भी बंद होंगी आ, वो कीमतें कह गई हो मुड़ के लाइट बंद की हो। बहुत बड़ी बात की है, और सबसे बड़ी बात है कि रमन बख्शी जो यहाँ के सीनियर डिप्टी मेयर हैं, उन्होंने उन्होंने अपना जो है वो मान लिया और बता दिया, वहाँ से संतुष्ट हैं। कल एक बजे तक जितेंद्र सोनिया को इन्होंने नोटिस आखिरी दिया है, अगर वो यहाँ आके माफ़ी नहीं मांगती तो फिर कूड़े का जो वहाँ पर भंडारण होगा या घेराव करेंगे, यह कल 1 बजे के बाद की बात होगी। अब देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला, जय हिंद जय भारत। बेऔलाद जोड़ियां दे लई वरदान मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर, गर्भ दा ना ठहरना जियां बीमारियां दा शर्ती इलाज,
14 से लेके 16% तक जो नई जनरेशन के कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हैं, क्योंकि उनका खाना पीना रहन सहन इनएक्टिव लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। और बेसिकली आज की डेट में 50-60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर